नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आजकल का जो दौर है, इसमें प्रेम की बहुत कमी हो गई है। लोगों के बीच में प्रेम नहीं रह गया, प्रेम की जगह ईर्ष्या ने ले ली है, कंपटीशन ने ले ली है। लोग सतत स्पर्धा कर रहे हैं, मैं इसको हरा दूं, ये मेरे से पीछे रह जाए, मैं आगे निकल जाऊं, है ना। पहले आपने देखा होगा, जब दीपावली होती थी, सुबह 4 बजे से लोग एक दूसरे के घर में आते जाते थे, बिना ये सोचे कि वो हमारे घर आएगा या नहीं। आज हर व्यक्ति अपने घर में बैठ करके सोचता है, उसको पहले आने दो, जब वो आएगा तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, कोई फिर नहीं जाता। जहां 100% लोग एक दूसरे के घर आ जा रहे थे, आज 5% लोग ही, 5% लोग ही ऐसे हैं जो एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं, जिनके बीच में काफी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। प्रेम जैसी कोई चीज अब बची नहीं है। अब जब स्पर्धा इतनी हो गई, तो लोग अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर तंत्र मंत्र ये करना, उसके खिलाफ बाकी 10 लोगों को तैयार करना कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए। मतलब ये जो इतना खुश है, क्यों है? इसकी खुशी कैसे छीनी जाए, कैसे ये बर्बाद हो जाए, इसके नौकरी धंधे बंद हो जाए, इसके घर में कलह शुरू हो जाए, ऐसा क्या करूं कि मुझे शांति मिल जाए, है ना। अब ऐसे में तंत्र मंत्र आपके घर में होते हैं, कितनी बार बुरी चीजें आपके घर में भेजी जाती हैं। और कई बार दोस्तों, मेरे पास कितने ऐसे कॉल आए जिसमें घर के घर बर्बाद हो गए, घर के घर नाश हो गया, एक के बाद एक घर के लोग मर करके जाने लग गए, परिवार सब एक दूसरे से अलग हो गए, भाई भाई से अलग हो गए, भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए, जब भी इकट्ठा होंगे उनके बीच में कलह शुरू हो जाएगी, वो इकट्ठा होना नहीं चाहते, इतने बड़े बड़े तंत्र कर दिए गए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको पता चले कि आपके घर में तंत्र विद्या कर दी गई है, कैसे पता चले आपको कि आपके घर में कोई भूत पिशाच जिन्न वास करता है, कोई चुड़ैल वास कर रही है। इसको पकड़ने का सबसे आसान उपाय, सबसे पहली चीज, आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगेगा। यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, कोई गंदी चीज वास कर रही है, तो आपके घर में आप कितनी भी बार तुलसी लेकर के आए, तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं लगेगा। सूख जाएगा, सड़ जाएगा, किसी भी तरीके से वो उखड़ जाएगा, मतलब कुछ भी हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। दूसरा, आपके घर में गुलाब का पौधा नहीं लगेगा, या फिर लगेगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत फूल आएंगे, आप खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, इतने सारे फूल आ रहे हैं गुलाब में। अतिशय जब आपको ये लगे कि अननेचुरल ढंग से आपका गुलाब का पौधा फूल दे रहा है, जो नेचुरल तरीका नहीं है देने का, आप तुरंत समझ जाए आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। तीसरा, आपके घर में रखा हुआ अनाज सड़ने लग जाएगा, अनाज में कीड़े पड़ने लग जाएंगे। घर में यदि पॉजिटिव एनर्जी है, अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे। आप देखना, कई लोगों के घर में गेहूं चावल वगैरह भरवाते हैं, उसमें तुरंत जीवात पड़ जाती है, तुरंत कीड़े पड़ जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी अनाज का जो भंडार है, क्योंकि ये माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, इसको फलने फूलने नहीं देंगे, खत्म। जो जो आपके जो चीजें आपको आगे ला सकती हैं, उन तमाम चीजों को ये चीजें आपसे हटा देंगी। अचार आपके घर में अपने आप सड़ने लग जाएगा, उसमें फफूंद लगने लग जाएगी। नोटिस करके देखना, इनमें से कुछ भी चीज हो रही है आपके घर में। नारियल आप लेकर के आएंगे, कहा जाता है कि नारियल लेकर के आए और सड़ा हुआ निकल गया तो पूरा देव ने स्वीकार कर लिया जिसको आपने चढ़ाया, बराबर। लेकिन कंटिन्यू ये होना शुरू हो जाए, कितनी बार ऐसा होता है कि जब भूत है, जो राक्षस है, वो जब पूरी शक्ति आपकी पूजा की ले लेता है, तब अच्छा भी, मतलब नारियल फूटने लग जाते हैं, लेकिन कई दिनों तक तो जो भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे, कितनी बार तो जो आपको सूखा मेवा है, मिठाई भगवान के चढ़ाने के लिए लाएंगे, थोड़ा बहुत आपने चढ़ा भी दिया, नहीं भी चढ़ाया, कहीं ऐसी जगह रख लिया कि उसमें फफूंद लग गई,
ड्राई फ्रूट्स आप लेकर के आए पूजा के लिए, उसमें फफूंद लग गई, मतलब वो चीज साफ सुथरी नहीं रहेगी। यदि आपके घर में अखंड ज्योत जल रही है, आप ध्यान रखना, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घूम रही है, आपके घर की अखंड ज्योत बार बार बुझेगी। बहाने मार मार कर आपको खुद ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, अखंड ज्योत नहीं जलेगी। आपके घर में जब भी सारे मेंबर्स इकट्ठा होकर के बैठेंगे किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए, अचानक उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा। कभी ये चीज ये नहीं चाहेगी कि परिवार के मेंबर्स इकट्ठे हों, बैठे प्रेम से बात करें। किसी के दिमाग में ये चीज आएगी, उसको हटा दो, उसके दिमाग में इसको हटा दो। हर व्यक्ति बैठ करके अपने स्वार्थ की बात करेगा कि मेरा काम कहां हो, और सबके सब बर्बाद होंगे एक एक करके। यदि आपके घर में पूजा पाठ हो रही है, कोई आपने अनुष्ठान किया है, आपका अनुष्ठान कभी सफल नहीं होगा। यदि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, अनुष्ठान आपके सफल नहीं होंगे, क्योंकि अनुष्ठान सफल होंगे मतलब आपको उस चीज की सिद्धि मिल गई, और ये चीज कभी नहीं चाहेगी कि आपको किसी भी चीज की सिद्धि मिले, तो अनुष्ठान ये होने नहीं देगी। जब भी आप किसी देवी देवता की पूजा करने के लिए बैठेंगे, आपका मन नहीं लगेगा पूजा में, मन आपका पूजा पाठ में लगेगा ही नहीं, आपको बस आप पूजा का सोचेंगे, आपका दिमाग कहीं और भटकने लग जाएगा कि नहीं। कई बार जब ये इसी चीजें अपनी ताकत को बढ़ा देती हैं, तो सवारी के रूप में आने लग जाती हैं। मैं आप तुम्हारी कुल देवी हूं, मैं तुम्हारा भला चाहती हूं, मैं तो जिस देव की आप पूजा करेंगे, मैं तो ये हूं, मैं काल भैरव हूं, मैं ये हूं वो हूं। आप एक चीज याद रखना, कभी कुल देवी ऐसे आती नहीं है, कभी कोई सवारी ऐसे आती नहीं है। घर में जब इतना अनिष्ट हो रहा है, तो कुल देवी अगर आपके घर में है, मौजूद है, तो इतना अनिष्ट होगा कैसे, आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं। ये यही भूत पिशाच राक्षस जिन्हें जो घर में स्पेशली छोटे बच्चे या लेडीज का शरीर जल्दी पकड़ते हैं, और उसके ऊपर आकर के बोलते हैं कि मैं ये हूं और मुझे ये चीज चढ़ाओ। आपको लगता है कि हमारी कुल देवी है, हमारे घर का देवी देवता हमसे मांग रहा है, आप वो चीज लेकर के आएंगे और उसको चढ़ाएंगे, और वो खा पी करके संतुष्ट रह करके पड़ा रहता है। तो सवारियां आपके घर में जब ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो सवारी आना शुरू हो जाती है। घर में एकाधे इंसान को ये टोटल अपने अंडर में रखता है, और उसके थ्रू अपनी इच्छाएं पूरी करने लग जाता है। कई बार यदि आपने घर में जब बड़ी पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो ये चीज आपके घर से उतनी देर के लिए चली जाएगी, लेकिन जब वापस आएगी तो डबल ताकत से आप पर अटैक कर देगी। काम काज अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन तुरंत एक घंटे बाद जबरदस्त लड़ाई झगड़ा, तुरंत ही जो पॉजिटिव एनर्जी आपने डेवलप की थी उसको ये नेगेटिविटी में बदल देती है। इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, इसके सिवा भी दोस्तों इससे बहुत है, जैसे कि आप घर में आपको भय लगने लग जाता है, कहीं कोई है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुन रहा है, बिना वजह बुरी बदबू आपको आने लग जाती है। जब भी कोई बुरी आत्मा आपके आसपास होगी, बुरी बदबू आपको आएगी। खाना जो आप बना करके रखेंगे, जब आप खाने के लिए बैठेंगे, अपने आप कम हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ये हिंट देती हैं कि बुरी चीज आपके घर में है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, यदि ऐसा कुछ भी होता है तो घर में दोनों टाइम पूजा जरूर करें, घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, और अभिमंत्रित किया हुआ जल पूरे घर में छिड़कें, हनुमान जी के आगे लौंग और गुड़ की आहुति देना शुरू करें। हनुमान जजीरा इसको आप घर में बैठ करके सिद्ध करें। भूत पिशाच क्या आपको किसी से डरने लगेगा, आप खुद देखेंगे कि यह वो शक्ति है जो तमाम चीजों को आपके घर से दूर भगाती है। महाकाल की पूजा करें,
दो लौंग दो इलायची अपने हाथ में ले। जो आपका राइट हैंड है इसमें आप लौंग रखें, जो आपका लेफ्ट हैंड है इसमें आप इलायची ले लें। दोनों हाथों की मुट्ठियों को टाइट बांधे। पूरे घर में ओम नमः शिवाय जितनी आपकी ताकत है उतनी ताकत से बोलते हुए पूरे घर में घूमे और इन चारों को इकट्ठा करके आप बाहर चौखट के बाहर जलाएं। रोज संध्या समय आप इस काम को करें। इसको जलाने के लिए आप काले कपूर का यूज करें। एवरीडे आप इस क्रिया को करें। कुछ ही दिन में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप इस चीज को हटाने में सक्षम हैं। आपको शांति महसूस होगी। पूजा स्थान में एक दीपक ऐसा जरूर जलाएं जिसमें आप पीली सरसों डालें। वो सरसों आप अपने राइट हैंड में ले पूरे घर में घुमाएं और जो आपके कुलदेवी या कुल देवता है उनके आगे दिया जलाएं। दिया आप सरसों के तेल का जलाएं और उसमें उस राई को ला करके डाल दें, पीली राई। आप देखेंगे बहुत जबरदस्त इफेक्ट होगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे। अवश्य उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।